बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहील हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मरकज़ी कंटेनर पहुंच चुका है, कायदीन भी जो है वो यहां पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मरकज़ी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का इंतज़ार किया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान लियाकत बाग पहुँच चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी जो है MNA MPS मौजूद हैं। हम आगे चलते हैं और उनसे जाकर जो है वो गुफ्तगू भी करते हैं। इस वक्त लाहौर NA 128 से हमारे साथ उम्मीदवार मौजूद हैं आसिम इरशाद साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आज जो मार्च निकाला जा रहा है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम आसिम इरशाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी, फर्स्ट क्लास जी, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस वक्त के मार्च जो है वो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जम्मे कबीर इस बात की आपको खबर दे रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इंशाल्लाह ताला होगा, और तहरीके लबैक ने हमेशा से फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की है, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये आज आप लाखों का मजमा देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत को खबरदार कर रहा है कि होश के नाखून ले हुकूमत और फ़लस्तीनियों की जो है वो इमदाद को रेगुलर करे। क्या समझते हैं हुकूमत आपके मुतालबात जो है वो पूरा करेगी? इंशाल्लाह जी, ये लाखों का जो अफराद आपको नज़र आ रहे हैं इस बात का सबूत है कि हुकूमत पे इंशाल्लाह ताला प्रेशर डेवलप होगा और हुकूमत हमारे मुतालबात इंशाल्लाह ताला मानेगी। नाज़रीन, इस वक्त आपने जाना कि हुकूमत जो है इंशाल्लाह ताला मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर होगी, ऐसा कहना था आसिम इरशाद साहब का। और मज़ीद मुझे ये बताइएगा कि आज जो है वो ये मार्च एक दिन का होगा या धरना भी होगा? जी इंशाल्लाह, ये अभी जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पहले भी पेशकश हुई हुई है और अभी भी जारी है, तो इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर ही हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला मुतालबात पूरे होंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के दूसरे उम्मीदवार भी मौजूद हैं इजाज़ गुज्जर साहब, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई आपके? खैरियत से? आप बताएं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुज्जर साहब मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि आज आपके ये जो मुतालबात हैं तहरीक लबैक के ये पूरे होंगे? इंशाल्लाह जी, हम आए इसीलिए कि इंशाल्लाह मुतालबात मंजूर करवा के ही जाएंगे, अब देखें जो क्या होता है। तो DC रावलपिंडी की जानिब से जो है वो इस मार्च को रोकने की भी जो है वो की गई है पेशकश के इसको रोका जाएगा मार्च को, तो क्या समझते हैं आपके अगर कोई रुकावट आती कैसे उसका सामना करें? भाई ये रुकावटें हमारे लिए नई नहीं है, योचित कंडे हमारे लिए नए नहीं है। अगर किसी भी इंतजामिया ने, किसी भी इसराइल के पिट्ठू ने कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो वो हमारी तारीख से भी वाकिफ़ हैं, वो हमारे माजी से भी वाकिफ़ हैं, और उनको भी ये भी पता है कि हम हर दफ़ा एक ही बात कहते हैं, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो मुहर्रमुल हराम में ही आपने ये जो मार्च का इंतखाब क्यों किया है ये रखने का, इसके अलावा भी तो दिन? ये जी एक कोइंसिडेंट है, बट इसको अगर मुहर्रमुल हराम की भी नस्बत से देखा जाए तो हुसैनियत का रास्ता है, हक का रास्ता है, तो इंशाल्लाह ताला हम उसी हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत को फॉलो करते हुए इस मार्च को लेके निकले हैं कि जिस तरह के मुजालिम फ़लस्तीन की अवाम पे, गजा के बच्चों पे ढाए जा रहे हैं, हम तो हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत को ही फॉलो करते हुए मार्च पे आए हैं। जी जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे चौधरी इजाज़ गुज्जर साहब और इन्होंने बताया कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करे, उनके लिए जो मुतालबात तहरीक लबैक पाकिस्तान ने रखे हैं वो पूरे करे हुकूमत, और इंशाल्लाह ताला अभी मरकज़ी कायदीन की जानिब से जो भी ऐलान होगा उससे भी आपको आगाह करेंगे।